सुबह से शाम तक बस काम काम काम, बहुत हुआ, अब थक चुकी हूँ मैं। तो क्या हम खाना ना खाएं? आप ये चाहती हैं? ना खाओ तो ज्यादा बेहतर है। आप सुबह सुबह ये बातें इसलिए करती हैं ताकि आप किसी की सुन ना सके। जबान का इस्तेमाल कम और हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करो। हाय मेरे अल्लाह, आप दोनों को मेरी तरफ से सुबह बखैर, सुबह बखैर, सुबह बखैर। हमारी सुबह में तो खैर होती ही नहीं है। लड़की जरा सबर तो कर लो, सुबह सुबह। तुम्हारी बीवी ही जबान चलाए जा रही है। अच्छा क्या हुआ, सब लोग अभी तक सो रहे हैं? वो कैसे उठ सकते हैं, हर कोई गफलत की नींद सो रहा है, चाहे कितना ही जगा लो ये नहीं जागने वाले। मुस्तफा। हाँ आसिया। विदात के बारे में तो बताओ। यार अभी सोकर उठा हूँ, जरा सबर तो करो, अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया और तुम हो के उस कमीने का नाम ले रही हो सुबह सुबह। मेरी जान, दिलचस्पी तो मुझे भी नहीं है, मैं तो बस इसलिए कह रही थी, नफीस उसके घर से बच्चे को लेकर आ गई है। हाँ मैं सोच रही थी कि वो पुलिस को लेकर आएगा, लेकिन वो नहीं आया। मैं क्या करूँ आसिया, क्या कॉल करके पूछूं? विदात कहाँ हो, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही है। मुझ पर क्यों चीख रहे हो मुस्तफा? मैं चीख नहीं रहा, जो पूछा है वो बता रहा हूँ। क्या तुम ऐसे बताओगे? तो फिर और कैसे बताऊँ? अपना खाना खाओ, ज्यादा मत सोचो तुम। अरे क्या हो गया, तुम कहाँ जा रही हो आसिया? ओए आसिया ओए। ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। क्या मुस्तफा क्या? देख लो और चढ़ाओ इसे इतना सर पर, सब तुम्हारी ही गलती है मुस्तफा, मैं तो बिला वजह ही बदनाम हूँ। अभी जरा रुक जाएं, अल्लाह का वास्ता है जरा सबर करें। जाओ जाओ जाकर अपनी बीवी के नखरे उठाओ और तुम भी ताहिर की तरह बन जाओ, देखो जरा बीवियों के गुलाम बने हुए हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने बाप पर तो कोई नहीं गया, कैसे उसने मुझे डरा कर रखा हुआ था, मेरी मजाल नहीं थी कि उसके सामने आवाज भी निकले। और एक ये है, जब देखो बीवी की बातें सुनता रहता है, बीवी का गुलाम आगे पीछे घूमता रहता है। सुबह बखैर। सुबह बखैर। जल्दी उठ गए थे तो मुझे भी उठा देते। मैं कुछ काम कर रहा था, घड़ी की तरफ नहीं देखा। चलो बेटा उठो, चलो बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई, थोड़ी देर और। अरे हरगिज नहीं, आपको स्कूल जाने में देर हो जाएगी, चले जल्दी उठे। हमें तो उसके स्कूल में भी बात करनी पड़ेगी, क्या अगर ये स्कूल ना आए तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। चलो बेटा उठ जाओ, अभी तो फिलहाल स्कूल चलो। मैं कब से जाग रहा था, मजाक कर रहा हूँ। अल्लाह तुम्हें हमसे अलग ना करे। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो गई है तुम्हें बहुत, चलो जल्दी करो, जल्दी चलो। ताहिर। बोलो नफीस। क्या तुम्हें हैरत नहीं हो रही, यानी विदात अभी तक नहीं आया? हो सकता है उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो। उसके दिमाग में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, नहीं मालूम कि वो आएगा या नहीं, लेकिन कुछ तो है जो मेरे दिमाग में है। वो क्या है? इन सब के बावजूद हम दोनों हाथ में हाथ डालकर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे नफीस, मेरी बस यही ख्वाहिश है कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। विदात क्या करेगा या वो क्या कर रहा है मैं इसके बारे में नहीं सोचता, हमें उसकी परवाह नहीं करनी। क्या मैं अंदर आ जाऊं? ये ऐसी बातें किससे सीखता है? आ जाओ मेरे शेर, आ जाओ। यकीनन अपने बाबा से। इधर आओ हम तुम्हें जगाते हैं। अम्मी की जान। अभी मैं तुम्हें जगाता हूँ, अभी जगाता हूँ। अम्मी की जान हो तुम।
आ जाओ बेटा, आ जाओ आराम से, आ जाओ आ जाओ। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ये दिन दिखाया। तुम देख रहे हो ना जमील? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। सब बखैर बाबा। जीती रहो मेरी बेटी, जीती रहो। ये सुबह सुबह कौन आ गया? और कौन हो सकता है, नाजिया होगी। वो यहाँ अपना दिल हल्का करने आती है। मैं जाकर देखती हूँ, तुम लोग नाश्ता करो। दुर्गन साहिबा, नजर के साथ जो हुआ मैं जानती हूँ। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, हशर में भी गिरेबान पकड़ूंगी तेरा। जमील को पता चल गया तो जानते हो क्या होगा, टुकड़े कर देगा वो तुम्हारे टुकड़े, समझे? तो फिर आप उन्हें बताती क्यों नहीं? जाइए और बुलाइए उन्हें, उसके बाद फिर आप और मैं मिलकर उन्हें ये बात बताते हैं। नहीं, आप ये नहीं कर सकती। जानती है क्यों? क्योंकि नजर ने आपको मना किया है, और मैं क्या कर सकता हूं, उसने आपको एक एक करके बताया होगा। क्योंकि आप खुद भी एक जहीन औरत हैं, आपने खामोश रहने को तरजीह दी कि यही सही है। अम्मी जान, कौन है दरवाजे पर? मैं हूं जमील साहब, मैं हूं। मेरी सास मुझे इतनी पसंद करती हैं क्या? यही बता रही थी वो मुझे। आओ बैठो, विदात को एक प्लेट ला दो, नाश्ता करेंगे। अभी मैं खुदा के मौजजे का मुशाहिदा कर रहा हूं, जबरदस्त। कैसी हो मरजान? क्या तुम ठीक हो? क्या ये बात कर सकती है? बताओ बेटी, खुद बताओ इन्हें। खुद को मत थकाओ, लेकिन तुम वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने आपसे कहा था ना जमील साहब कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। हर चीज का अपना वक्त होता है, और वो वक्त अब आ गया है, यकीन कीजिए मेरा। इंशाल्लाह। क्या हाल है मेरी जान? बहुत अच्छे। अम्मी कहाँ हैं? उनके सर में दर्द हो रहा था, कुछ देर आराम करने गई हैं। ताहिर। जी भाई। यार वो पागल आया नहीं? मेरा मतलब, वल्ला मेरी नजरें भी रास्ते पर लगी हुई हैं। वो मोटे सर का है, मोटे सर का। नफीस बहन अपना सर भाई, उसने मदाखलत की, लेकिन क्या हुआ, देखा कुछ भी नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि उसका सर मोटा है, यकीनन वो समझ गया है। उसे लगा ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए बात जाने दी। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता भाई। मुझे भी ऐसा ही लगता है, वो जरूर कुछ करेगा। नहीं मेरी आसिया, नहीं। वो केस तो कब का खत्म हो गया, उसे आना होता तो अब तक आ जाता। मैं तुमसे बात नहीं कर रही मुस्तफा। हासिया, लफंगे कहाँ रह गए? मैं जरा उन्हें कॉल करके आता हूँ। हाँ भागो, ऐसे ही भागो, कब तक भागोगे?
मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने क्यों मारा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा मुराद, लेकिन तुमने जो उसकी आंख में मुक्का मारा ना, उसने सब बराबर कर दिया। आंख सूज गई थी उसकी। यार मुझे असामत मेरे दर्द हो रहा है। अरे ये मुस्तफा भाई का फोन है। हेलो भाई बोले। बेटा कहाँ हो तुम दोनों? क्या तुम घर का रास्ता भूल गए हो? रात को भी नहीं थे तुम दोनों, आखिर हो कहाँ? नहीं भाई, हम बस जरा घूमने निकले हुए थे। तो तुम दोनों घूम रहे थे, घर आओ जरा मैं तुम्हें घुमाता हूँ। जहाँ भी हो फौरन ऑफिस पहुँचो, मैं वहीं आकर मिलता हूँ तुमसे। ठीक है भाई ठीक है, हम आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। फातिह वो लोग कौन थे? ये तो मैं भी नहीं जानता मुराद, यकीनन वो लोग यहाँ के तो नहीं है, टूरिस्ट होंगे। अच्छा इसका मतलब है वो आए और हमें मार के चले गए। समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? हम दोनों उनसे लड़े क्यों थे? यार मैं भी काफी देर से इसी बारे में सोच रहा था, समझ नहीं आ रहा हमारी लड़ाई आखिर हुई क्यों थी। चलो भाई चलो। अब देखते हैं कि मुस्तफा भाई को हमसे क्या काम है, वहां जाके ही पता चलेगा। ये तो क्या काम होगा यार, फिर से कोई ना कोई नई कहानी आ गई होगी। चलो चलकर देखते हैं। दिल चाहता है इसमें जहर डाल दूं ताकि सब कुछ खत्म हो जाए, एड़ियां रगड़ रगड़ के मरे। अम्मी खबरदार, मुझे सब्र करने का मत कहना, बिल्कुल मत कहना। जितना सब्र करना था मैंने कर लिया, अब नहीं। ये ले जाओ। तुम्हारा बेटा कैसा है? उसकी मां के कहने के मुताबिक, दरअसल मैं दो पुलिस वाले लेकर उनके दरवाजे पर बिल्कुल जा सकता हूं, लेकिन मेरी जान क्या तुम जाते वक्त दरवाजा बंद कर सकती हो? मैं तुम्हारे बाबा से कुछ जरूरी बात कर रहा हूं। तुम्हारे कुछ कहने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। दरअसल हमारे आदाब मुख्तलिफ हैं और हमारी रिवायत भी है। मैंने अपने वालिद से सीखा है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मैंने अपनी बीवी को आज तक उसके नाम से नहीं पुकारा, हमेशा उसके साथ इज्जत से पेश आया हूं। अपने बड़ों के सामने हम बच्चों से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? समझ रहा हूं। ताहिर तुम बच्चों को स्कूल छोड़कर आ जाओ। ठीक है भाई ठीक है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आप फिक्र मत करें, वहीं मिलते हैं। अच्छा बहन, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज भाई। मेरी तरफ देखो, अच्छी तरह पढ़ाई करना, उस्ताद की बात गौर से सुनना। ठीक है। वो मैं तुम पे कुर्बान। चलो ये पहनो। मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि शाम को वापसी मुमकिन होगी या नहीं, किस्मत है। आसिया, ओए आसिया, ओए। ताहिर चाचू। हाँ बोलो बेटा। क्या मैं आगे बैठ सकती हूँ? अरे 5 साल के बाद आप जिस सीट पे चाहे जाकर बैठ सकती हैं। चलो जल्दी करो, देर हो रही है। तो तुम कहाँ जा रही हो? मरजान के पास जाऊंगी, बहुत खुश हूँ उसके लिए। तुमने वही किया जो उसने कहा? मैंने क्या किया? तुम उसके लिए सहारा बनी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने मुझ पर एहसान किया है। जिंदगी कितनी अजीब है ना। अजीब क्यों? आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाता है, और दोस्त दुश्मन जो दूर होते हैं वो बहुत करीब हो जाते हैं। देखो गुज़श्ता रात उसे आग से बचाया, और आज वो खौफ ज़दा भी नहीं है।
और ये सब तुमने किया है? नहीं, हम दोनों ने मिलके किया है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अब इस बात का क्या मतलब? मुझे नहीं मालूम, ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। ईद स्कूल जा रहा है और मैं मरजान से मिलने, अगर वेदांत ने ईद को अगवा करने की कोशिश की। नफीस, वो अगवा नहीं कर सकता, बच्चे की तहवील पहले ही उसके पास है, अगर उसे चाहता तो वो आकर ले जाता। शायद उसके दिमाग में कोई और मंसूबा। नफीस देखो, मेरी बात सुनो, हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, ये बात याद रखना। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, हम उसको अपनी जिंदगी से खेलने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे सकते, समझ गई ना? ताहिर, साथ देने का शुक्रिया। नफीस, मैं बहुत खुश हूं। अच्छा, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। भाभी, आपको भी खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूं। लड़की, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? हमारे दरमियान तो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। क्यों भाभी? ये शौहर ऐसे ही होते हैं, शैतान को अजाब में ही रहना चाहिए। मरजान से मिलने जा रही हो? भाभी, आप जानती हैं, मरजान ने बोलना शुरू कर दिया है, कॉल पे बात की मुझसे। क्या सच में? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बहुत करीम है। देखा ना तुमने नफीस, ठीक हो गया ना सब? अल्लाह ने चाहा तो अब सब ठीक ही रहेगा। भाभी, मुझे इजाजत दे, मैं जरा तैयार हो जाऊं। बरकत हो इसमें, अच्छी बात है। अब वो ताहिर जिसने आपके हथियार समंदर में फेंक दिए थे, वाकई ऐसा ही हुआ था ना? बिल्कुल, मैंने उसकी वजह से बहुत नुकसान उठाया। जिनके साथ हम कारोबार करते हैं उनकी नजर में गिरना नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली? ये मेरे जहन से कभी बाहर नहीं निकलता, मैं नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। और मेरे साथ क्या किया, मेरे चाहने वालों के साथ क्या सलूक किया? अब हम खामोश हैं कि मरजान ने दो अल्फाज कहे, सही कहा ना? शुक्रिया। शुक्र है, बिल्कुल शुक्र है। मुझे उस वक्त खुशी होगी जब लड़की फर फर बोलने लगेगी। मैं बहुत शुक्रगुजार था कि कम से कम उसने दो अल्फाज तो कहे। उस लड़की ने चलना छोड़ दिया, जो लड़की कभी भागा करती थी। अब उसके दो कदम उठाने से आपकी आंखें नम हो गईं, जो पहले ही आपका है जमील साहब। आपकी आंखों के सामने उन लोगों ने वो सब कुछ चुरा लिया, लेकिन अब उनसे इसका हिसाब लिया जाएगा। जी हां, बिल्कुल, आपने ये सब याद दिलाकर मुझे बहुत अच्छा किया, और आखिर में आप अपने मकसद पर आ ही गए। जैसा कि मैंने कहा जमील साहब, मैं नहीं भूलता। मैं अपनी ब्लैक कलर वाली डायरी में एक एक करके सब कुछ लिखता हूं। मैं सही वक्त के इंतजार में हूं, और जब सही वक्त आएगा तब हिसाब किताब जरूर करूंगा। सही वक्त आ गया है, अब उनका हिसाब का वक्त है। तुम्हारे दिमाग में क्या है? वो यहां क्यों आया है? पता नहीं, बाबा से कोई बात भी कर रहा था वो। मैं कह रहा हूं कि अगर हम आपके उन दोस्तों से असलहा लेकर उसे खुफिया तौर पर कलीली के जहाज में रख दें, इस तरह ताहिर और मुस्तफा को जेल भेजने के लिए हमारे पास बहुत से हथियार होंगे, और हमें इंसाफ भी मिल सकता है। उन्होंने आपके हथियारों को समंदर में डुबोया, अब ये उनके साथ होगा, उन्हें हथियारों से ही मात दी जाएगी। ये ठीक लग रहा है, ऐसा हो सकता है।
मुश्किल क्या है? जहाज पर हथियार लाना? कहीं ऐसा ना हो कि ये सब करने से हमारी बची कुछ इज्जत भी खाक में मिल जाए। हम पहले ही इसे पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप सब कुछ बर्दाश्त करने वाले हैं, या फिर अगर आपके पास इतनी ताकत बाकी है तो क्या आप ये करेंगे नहीं? क्या हुआ सानिया खाला, सब ठीक है ना? समझ नहीं आ रहा कहां से बात शुरू करूं। देखो बेटी, मुझे तुमसे या तुम्हारे बच्चे से कोई जाती मसला नहीं है। जिन आजमाइशों से तुम गुजरी, जो तकलीफें बर्दाश्त की, मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन लेकिन क्या? बैठो। देखो तुम भी एक मां हो, तुम चाहोगी कि तुम्हारे बेटे को कभी भी कुछ ना हो, वो हमेशा ठीक रहे और बहुत खुश रहे। उसके अलावा कुछ नहीं सोचती होगी तुम। मैं भी यही चाहती हूं, अपने बच्चों की भलाई के अलावा और कुछ नहीं चाहती मैं। लेकिन वो विदात नामी आदमी रुकने वाला नहीं है। ऊपर से तुमने बच्चा हुआ कर लिया, जानती हो ना अब क्या करेगा। सानिया खाला, वो मेरा बेटा है। सही कहा तुमने, बिल्कुल सच कहा। बरसों बाद ये जब जवान हो जाएगा, एक औरत का हाथ थामे जिसका एक बच्चा भी हो, घर आए और कहे अम्मी ये आपकी बहू है, तो बताओ फिर उस वक्त तुम क्या कहोगी, क्या करोगी तुम? फिर उस औरत का सबका शौहर तुम्हारे बेटे के पीछे लगा रहे, हर तरह की नीच हरकतें करे, हर वक्त मुसीबत सर पर मंडलाती रहे, उस वक्त तुम क्या करोगी? नहीं, अभी तुम मुझसे कुछ मत कहो। मेरी तकलीफ नहीं समझ सकती अभी। मुझे बस इतना ही कहना था तुमसे, बाकी वक्त पर छोड़ देते हैं। अब तक दर्द हो रहा है मुराद। आ गए, क्लास लेंगे अभी, तैयार हो जाओ। जरा मुझे देखने दो कि तुम्हें किसने मारा है। हाँ भाई, वो कुछ मत कहो, मुझे उसका नंबर दो, मैं उसे कॉल करूंगा, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भाई ऐसी बातें तो ना करें। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा नौजवान देखा हो जो मार खाने के बाद बाहर आकर कहे कि उस आदमी ने मुझे बुरी तरह मारा पीटा है। ऐसा लग रहा है कि वो काफी ज्यादा लोग थे जिनसे तुम मार खाकर आ गए हो। कौन थे वो लोग? भाई हम भी नहीं जानते कसम से। तो उन्होंने इतने अच्छे से मारा है। अच्छा, उसके हाथ सलामत रहे। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं ताहिर, इनके कुछ दोस्तों ने इनकी अच्छी तरह खातिर तवाज़ा की है। इनकी शक्लें देखो, कैसे दोनों मुंह लटका के खड़े हैं। अरे इनकी हालत तो देखो, इनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जंगल के किसी जानवर ने इनको बुरी तरह खरोचा हो। इन दोनों को इतना भी नहीं पता कि वो लोग कौन थे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें किसने मारा है? हमें भी नहीं पता हमें किसने मारा। उन्होंने अपने चेहरे बिल्कुल छुपाए हुए थे, वो यहाँ के नहीं लग रहे थे। भाई मुराद, ज्यादा झूठ बोलने की कोशिश ना करो। अस्सलाम वालेकुम, इन्हें किसने मारा? मुझे कम से कम ये तो बताओ कि ये सब कुछ हुआ कहाँ? मैं ये नहीं कह रहा कि सारी गलती तुम्हारी होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। भाई वो होटल सेरा झील, उसी के सामने हमारी लड़ाई हुई और फिर हमारे साथ ऐसा हो गया। अरे यार मुझे ये तो बताओ तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे? अब चलो मेरे पीछे आओ, जाकर पता लगाते आखिर वो लोग थे कौन। चलो एक बार फिर से खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा। खुदा हारत करे। रब्ते में रहेंगे जमील साहब? बिल्कुल प्यारी मर्जानी।
तुम्हें इस तरह खड़े देखना दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। खुश रहो। मुझे मार्केट जाना है। किस लिए? मुझे कुछ सामान लेना है अपने घर में रखने के लिए। बिल्कुल मेरी जान। बंदरबाजों के पीछे तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? अपने काम से काम रखो, मैं चलता हूं। चलो बेटा तुम अंदर आ जाओ। शाबाश, आ जाओ। ठीक है। शाम को तुम्हें पार्क में भी लेके चलूंगी, ठीक है? अंदर जाके आराम कर लो। हाँ मुस्तफा भाई, वो देखें, आ गए वो लोग। आ गए साले। ताहिर, क्या तुम्हें यकीन है? अब यहां तक आ ही गए हैं तो मिलके तो जाना चाहिए। सुनो जरा इधर तो देख लो। अरे जरा इधर आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें मेरे भाइयों को मारने की हिम्मत कैसे हुई? ये बीमार लग रहे थे तो हमने इनका इलाज कर दिया। अगर ये बीमार लग रहे हैं तो चलो इस जगह को ही क्वारंटाइन कर देते हैं ताकि जरासीम भाग ना सकें। तो अब तुम लड़ने के लिए अपने भाइयों को लेकर आए हो, फिर तो बहुत मजा आएगा। ये बच्चा मजाक अच्छा करता है। अगर बोलते हुए जबान फिसल जाए तो ये गोली से भी तेज काम करती है। कौन आया है? खुश आमदीद। अंदर आ जाओ। देखो बेटा कौन आया है हमारे घर। खुश आमदीद। शुक्रिया, तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं मैं। तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूं। हम तुमसे कुछ पूछे नफीस। क्या? हमारे साथ जिसने ये किया वो विदात है, लेकिन नजर उसके हाथों में है। हमें डर लग रहा है। डरो मत, नजर को कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। विदात का खेल अब जल्द खत्म होने वाला है। उसे अपने किए की सजा मिलकर ही रहेगी। देखती जाओ। ये कितने का है? 20 लीरा का है। इतना महंगा? मैं सब्जी खरीदने आई हूँ और तुम होके मुझे गोश्त की कीमत बता रहे हो। तौबा तौबा, अपनी मर्जी की कीमत रखी हुई है तुमने। तो आप अपने घर में उगा ले। फजूल बात मत करो। अंगूर कितने के हैं? 60 लीरा के हैं। ओहो, सबको हाथ लगाकर खराब मत करें।
देखभाल कर खरीदूंगी। बात सुने। क्या बात है, कौन हो तुम, ये क्या है? तुमने पागल ताहिर सकीना खुद को और मुझे तकलीफ पहुंचाई है। मेरे साथ चलिए आप। बाजी पैसे तो दे जाएं। तुम्हें ये किसने दिया? वो आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन इंतजार कर रहा है? आप साथ चलिए, आपको खुद पता चल जाएगा वो कौन है। तुमने सुना नहीं क्या कहा मैंने? कौन इंतजार कर रहा है, ये किसने दिया है तुम्हें आखिर? आप प्लीज साथ चलें मेरे। बेटा तुम कहाँ लेकर जाओगे मुझे, कौन मिलना चाहता है मुझसे? चलिए